हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं um, आज हम नया सेक्शन है व्हाट इज द यूके छोटा सा सेक्शन कि यूके क्या है या यूके किन कंट्री से मिलके बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे लेट्स स्टार्ट द यूके इज मेड अप ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न नायलैंड कहते हैं कि यूके जो है मिलकर बना है इंग्लैंड से स्कॉटलैंड से वेल से और नॉर्दर्न आयलैंड से द रेस्ट ऑफ आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कहते हैं बाकी का जो आयरलैंड है वो एक आजाद मुल्क है जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं ठीक है ठीके? अच्छा इस मैप को देखने से आपको काफी समझ में आ जाएगा ये जो मैप है स्कॉटलैंड जो है वो पर्पल कलर का इन्होंने दिखाया है नॉर्दर्न आयलैंड ये जो आगे करके आप देखेंगे येलो ये ये कलर का इतना हिस्सा नॉर्दर्न आयलैंड है ये बाकी का जो सारा ग्रे है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है तो यूके जो है वो कौन सा है स्कॉटलैंड जो पर्पल नजर आ रहा है नॉव्रन आयरलैंड जो येलो नजर आ रहा है इंग्लैंड जो पूरे का पूरा ग्रीन नजर आ रहा है और वेल्स ये जो ब्लू है छोटा सा ये है तो ये सारा यूके कहलाता है ठीक है और बाकी का जो ग्रे एरिया है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है

को रेफर करता है नॉर्दर्न आयलैंड उसमें शामिल नहीं है तो प्लीज बी केयरफुल ग्रेट ब्रिटेन रेफर ओनली टू इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स नॉट टू नॉर्दर्न आयलैंड जब ऑफिशियल नाम क्या है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयलैंड ठीक है द वर्ड्स ब्रिटेन ब्रिटिश आयल्स और ब्रिटिश हाउ एवर आई यूज इन दिस बुक टू रेफर टू एवरी वन इन दू के कहते हैं जो अल्फाज हैं ब्रिटेन के ब्रिटिश आयल्स के या ब्रिटिश के ये इस्तेमाल होते हैं इस किताब में सब लोगों को रेफर uh, करते हैं यूके के अंदर ठीक है देर आर ऑल्सो सेवरल आईलैंड विच आर क्लोजली लिंक्ड विद द यूके बट आर नॉट पार्ट ऑफ एट कहते हैं uh, बहुत सारे जजीरे हैं जो कि बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं बहुत क्लोजली मिले हुए हैं यूके के साथ लेकिन वो यूके का हिस्सा नहीं है जैसे कि द चैनल आइलैंड चैनल आइलैंड एन आइल ऑफ मैन जो है वो यूके का हिस्सा नहीं है लेकिन वो बहुत क्लोजली लिंक है यूके के साथ दीज किसके बारे में कह रहे हैं कह रहे हैं चैनल आइलैंड और आइल ऑफ मैन जो है इनकी अपनी हकूमते हैं और इनको क्राउन डिपेंडेंसी जाता है सिर्फ इन दो को चैनल आईलैंड को और आयल ऑफ मैन को क्राउन डिपेंडेंसी कहते हैं और ये बहुत क्लोजली यूके से मिले हुए हैं लेकिन ये यूके का हिस्सा नहीं है देर आर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी एंड द फॉकलैंड आईलैंड कहते हैं कि इसके अलावा ब्रिटिश की अः uh, बैरून मुल्क जगह हैं टेरिटरीज हैं जो कि uh, इसके इसका हिस्सा नहीं है लेकिन वो इससे मिले हुए हैं या के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं सही है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं मतलब बैरून मुल्क में छोटी छोटी जगह हैं जो कि यूके के यूके का uh, हिस्सा नहीं है लेकिन यूके के साथ हैं जो कि जैसे कि सेंट हलिना है और फॉकलैंड आइलैंड है

करीबी मिले हुए हैं ठीक है द यूके इज गवर्न बाय द पार्लियामेंट सिटिंग इन वेस्टमिनिस्टर कहते हैं यूके को चलाया जाता है जो पार्लियामेंट बैठी है वेस्टमिनिस्टर लंडन में ठीक है तो यूके जो यूके का जो इंतजाम चलाया जाता है वो लंडन से वेस्टमिनिस्टर से चलाया जाता है स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्दर्न आयलैंड ऑल्सो हैव पार्लियामेंट और असेंबलीज ऑफ ओन विद डि पावर्स इन डिफाइंड एरियाज ठीक है तो वो ये कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड वेल्स और नॉर्दर्न आयलैंड में, में भी पार्लियामेंट है या असम्बलियां हैं जिनको महदूद इख्तियार दिए हैं जैसे कि तालीम है एजुकेशन है सोशल है या जरात वगैरह एग्रीकल्चरल इन मामला में वो फैसले कर सकते हैं आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि स्कॉटलैंड वेल्स नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है ये मतलब स्कॉटलैंड में पार्लियामेंट में पार्लियामेंट है वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में असम्बलियां हैं तो उनको डिवॉल्ड पावर्स है मतलब उनकी जो ताकत है उनकी जो इख्तियार हैं वो महदूद हैं और उनके डिफाइंड एरियाज हैं जैसे एजुकेशन है जैसे सोशल सर्विसज है जैसे कि एग्रीकल्चरल है या और आ, ऐसे आ, बाकी हर मामला में वो कानून साजी नहीं कर सकते ठीक है तो ये था पूरा यूके का स्ट्रक्चर uh, उसका उनका उसका नाम उसके साथ कौन कौन से कंट्रीज हैं आ, और उसको उसका मैप आपने समझा तो ये बड़ा अहम है इसे हमेशा कभी ना कभी एक आध सवाल आ जाता है सो so, अपने कॉन्सेप्ट इसमें स्पेशली क्लियर कर लें आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड राइट इन अ कॉमेंट सेक्शन तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा अंटिल देन आपसे फिर मुलाकात होती है थैंक यू